ओके यस ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग जिन्होंने और गहराई में पढ़ा है। देखिए इस तरह का टर्म आता रहता है, अगर पढ़ा है आपने पहले तो, नहीं पढ़ा तो देख लो। देखिए टू वेरिएबल में ना बड़े काम की चीज़ है, क्या है, क्या आएगा, क्या होता है, कैसे होता है, विल बी डूइंग। पहले आइए ज़रा, ये किसी में प्लस है किसी में माइनस है, एक्स के डेरिवेटिव के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या डेरिवेटिव के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इन सब में इन सब की शक्ल देख के इतना तो पता लग रहा है आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। किस किस में, एक्स में और वाई में, निकालते हैं। सर बहुत बड़ा, क्या बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है। जल्दी पहले इधर आइए आप सब लोग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके बताइए। 10 ही तो टर्म्स हैं, समेशन के, यस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर के माइनस वन, और एक्स का अलग से करेंगे तो क्या आएगा। तो इधर ध्यान दो, इधर आप सब लोग, अगर 2x यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल के हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं आपको, इफ़ यू आर राइटिंग 2x हियर, भाई इसका तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ, ये तो k वेरी कर रहा है, तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकालो इसको। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, बस देखते रहिए चुपचाप। तो दिस इज 2x समेशन k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर k माइनस वन। हाँ जी, इसी तरीके से जरा बताएंगे डेल एफ बाई डेल वाई क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, टू प्लस में या माइनस में, चेक करिए, मतलब आप समझ गए। सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था अब तुरंत हो जाएगा। अब समझाओ अपने दिल को, एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। हाँ जी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करके जीरो आ जाएगा, यू कैन सी। उसको वाई से करिए, इसको एक्स से, खत्म क्वेश्चन ओवर, बस ठीक है करो। लास्ट डी है ना, डी ऑप्शन करेक्ट।